नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल, गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ से। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, हम अपनी आज की कक्षा में हिंदी की वर्णमाला का अपना अगला अक्षर लिखना सीखेंगे, ठीक है? हमने अपनी इससे पहले की कक्षा में इस अक्षर को लिखना सीखा था, है ना? कौन सा अक्षर है ये? क्या कहते हैं इसे? उ। क्या कहते हैं? उ। अब हम इसके बाद का अक्षर सीखेंगे, ये वाला अक्षर, है ना? इसे कहते हैं ऊ। ऊंट का। क्या कहते हैं? ऊंट का, ठीक है? तो फटाफट से अपनी हिंदी की किताब निकालिए, ये वाली, और इसका पेज नंबर खोलिए 26। पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है ये, ठीक है? तो हम इसे आज लिखना सीखते हैं। उससे पहले हम लोग इसके इस अक्षर से बनने वाले शब्दों को देखेंगे पहले, ठीक है? जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चित्र बनाए हुए हैं। तो देखिए, और उसे उद्बिलाव या फिर ऊद। देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है, इस तरह का जानवर होता है जिसे कहते हैं ऊद या फिर उद्बिलाव। तो हमने आज पांच शब्द देखे, है ना? अब हम इन्हें लिखना सीखेंगे। तो लिखना सीखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस अक्षर पर अपनी उंगली घुमाते हैं, फिर हम हवा में लिखते हैं, फिर रेत में, और फिर कॉपी में कैसे लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैं इसके ऊपर उंगलियां घुमाऊंगी तो आप लोगों को किस में घुमानी है अपनी उंगली? इस अक्षर पे या फिर इस अक्षर पे, ठीक है? तो फटाफट से अपनी पॉइंटर फिंगर को उस अक्षर पे रखिए ऐसे, और अब हम लोग घुमाना शुरू करेंगे। पहले करना है लेफ्ट कर छोटा सा, फिर एक और लेफ्ट कर छोटा सा, इसको ऊपर चढ़ा देना है जैसा कि हम उल्लू में चढ़ा देते हैं, ठीक है? फिर ऊपर से दे देनी है सीधी लाइन, और पीछे से यहाँ इसकी बना देनी है एक पूंछ, ठीक है? इसकी एक पूंछ बना देनी है पीछे से। तो ये क्या बन जाएगा? ऊ। क्या बन जाएगा? ऊ। जब हम छोटा ऊ बनाते हैं यानी कि ऊ बनाते हैं तो उसमें हम ये पूंछ नहीं लगाते हैं, है ना? बट
क्या बन जाएगा? ऊ। क्या बन जाएगा? ऊ। एक बार फिर से बनाएंगे। लेफ्ट कर ऊपर चढ़ाया, पीछे से पूंछ दी और ऊपर से स्लीपिंग लाइन, तो क्या बन गया? ऊ। अब हम रेत में लिखना सीखेंगे, ठीक है? तो बच्चों अब हम ऊ को रेत में लिखना सीख रहे हैं, है ना? जिसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे रेत इकट्ठा की हुई है और अब हम यहाँ पर ऊ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पॉइंटर फिंगर को इस रेत के ऊपर रखेंगे और हम ऊ बनाएंगे, ठीक है? ऊ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा लेफ्ट कर्व बनाते हैं, फिर एक और लेफ्ट कर्व बना के इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, है ना? और ऊपर से बना देते हैं स्लीपिंग लाइन, ये बन गया ऊ। अब ऊ बनाने के लिए हमको सिर्फ एक पीछे से पूंछ देनी होती है। देखिए ये यहां से हमने खींचा और यहां लाके इसको फिनिश किया, ठीक है? ये देखिए पूंछ बन गई, तो अब बन गया ये ऊ। क्या बन गया? ऊ। एक बार फिर से बनाएंगे, पहले बनाएंगे लेफ्ट कर, फिर एक और लेफ्ट कर और ऊपर चढ़ा देंगे इसको, ऊपर से यहां से बना देंगे हम स्लीपिंग लाइन और यहां से बना देंगे हम इसकी पूंछ, तो क्या बन जाएगा? ऊ। क्या बन जाएगा? ऊ, ठीक है? तो बच्चों हमने अभी रेत में भी लिखना सीख लिया है, अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉपी में कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लाइंस खींची हुई है, मैं यहाँ आपको लिखकर बताऊंगी और आप लोग अपनी अपनी स्लेट में इसका अभ्यास करोगे, ठीक है? तो ऊ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये वाला ऊ बनाते हैं, ठीक है? चलिए बनाइए फटाफट ऊ। ये बना लिया, अब हम इसमें क्या करेंगे, पीछे से एक, वेरी गुड, पीछे से एक पूंछ दे देंगे और ऊपर से बना देंगे स्लीपिंग लाइन। क्या बन जाएगा ये? ऊ। क्या बन जाएगा? ऊ। एक बार फिर से बनाएंगे, बस हमें पूंछ देनी है ना, ऊ में हमें सिर्फ एक पूंछ देनी है, तो बन जाएगा ऊ। देखिए सारे ऊ यहां बनके तैयार हो गए हैं, है ना? कितना आसान है ना ऊ बनाना, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हमें छोटा ऊ बनाना है और उसमें एक पूंछ दे देनी है नीचे से, तो बन जाएगा ऊ, ठीक है? तो बच्चों मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को ऊ लिखना आ गया होगा, है ना? तो अब इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। अब मैं आपसे अगली नई वीडियो में मिलूंगी इसके बाद के अक्षर के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को पसंद करें और साझा करें। धन्यवाद।